रुबीना जी बाहर आ रही थोड़ा सा, एक स्टेप बाहर। आपके लेफ्ट में अभिनव सर साथ में। एक मिनट रुकिए रुकिए, थोड़ा आगे उमरियत का जो फेयर हुआ है अनफेयर था डिसीजन उनके ऊपर जो था। क्या लग रहा है सर? देखो जी 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 टेस्ट से वो तो पता है, वो सोच के जाते हैं मेंटली प्रिपेयर होके कि ये शो है, कोई भी कभी भी विजिट हो सकते हैं, लेकिन इट्स अनफेयर फॉर द फैंस एंड द पब्लिक जो उनको उम्मीद से देख रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम छोड़ के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई छोड़ के लोग अपना काम छोड़ के उनको looking for them and they don't have power to save them. So, उसके लिए थोड़ा अनफेयर है। Yeah, life is like that. मैम आप भी जैसे कि विनर है, वो तो शो के अगर टॉप फाइव की बात करें तो टॉप फाइव आपकी कितनी है? राजी के बारे में कुछ कह दे अगर आप। बर्बाद घूम रहा था, घूम डाल दरवाजा बंद कर दो ना, बंद कर दो यार। घूम डालना, मीत का अरे भूख तो निकालो, मैं भी तो निकाल। थोड़ा सा थैंक यू एवरीवन। अच्छा मैम उमर रियाज तो थोड़ा कुछ ऑडियो नहीं उधर, उमर रियाज तो मैम कुछ बोल दीजिए, उधर ऑडियो सही नहीं आया। प्लीज मैम, प्लीज मैम, जैसे कहा कि आई एम एक्चुअली नॉट बीन एबल टू फॉलो द शो, सो इसलिए मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। बट जैसे अभिनव ने कहा, जनता के लिए इविक्शन अनफेयर है बिकॉज वो लोग अपनी पूरी जी जान मेहनत वोटिंग में लगा लेते हैं, अपने लिए एक हीरो ढूंढने में लगा लेते हैं, और अगर जनता के वोट के बिना कोई इविक्ट हो जाता है नाले के पास, सो आई थिंक इट्स लिटिल अनफेयर फॉर द ऑडियंस। बट एवरीबॉडी हैज देयर जर्नी एंड एवरीबॉडी has their own way of living up to it. So, जो भी है जनता जनार्दन है, they will decide their own. So thank you so much. Thank you. Bye bye. अरे you came out. Sorry sir. Yes sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.